सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अमानतदार नामी एक शख्स पाया तख्त पर कब्जा करना चाहता है। सिरिंज पे मोहल्ले के लोगों को खौफजदा करके उन्हें घर खाली करने पर मजबूर कर रहा है। जहाज में आपके लिए आरामदेह कमरा मुख्तस करवाया है। आपके लिए ये सफर बहुत खुशगवार होगा। हम पहले इटली जाएंगे, फिर वहां से पेरिस पहुंचेंगे। कमरा नंबर 101, ये ले जाकर वहीं रखते हैं। ठीक है शहजादे। फरीजा पूरा कर लिया हमने। अल्लाह का शुक्र है कि वो बर्तानिया का परचम नहीं लहरा सके। अगर वो हमारे झंडे को छूने की कोशिश करेंगे तो हम उनके हाथ तोड़ देंगे पाशा। जब तक हमारी तलवार ऐसे ही चमकती रहेगी, गद्दार ये चमक देखकर हमेशा खौफजदा रहेंगे। बच्चा खो देने पर गमगीन है वो। हम भी अपने नवासे के लिए अफसरदा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी लौटा दी। जो भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है। कारो, वो मोहल्ला हमारे लिए अहम है। मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए वो मोहल्ला हमारे पास होना लाजमी है। वो पाया तख्त का खून चूसना नहीं छोड़ेंगे। उनका हमारे मोहल्ले के करीब आना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई भी यतीमों का हक जुआ खाने में जाया करे, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। ये सब हतीन खत लिखकर हमसे रकम का मुतालिबा आखिर कैसे कर सकता है? वतन के गद्दारों के साथ रहकर उनकी हिमायत का इंतखाब उसका अपना था। महमूद, सबाहतीन मासूम हैं। उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। एक दिन वो हकीकत जान जाएंगे। तो जब वो ये बात समझ जाए उस वक्त मेरा सामना करे, और तब तक मेरी औलाद ही नहीं कोई। ये औलाद से बात करने का तरीका नहीं है। हकीकत नहीं झुटला सकते। वो आज भी हमारा बेटा है, वो हमारी औलाद है, वो हमारे जिस्म जान का हिस्सा है। महमूद, जब हमारा बेटा वहाँ बुरे हालात में रह रहा है तो हम यहाँ सुकून से कैसे रह सकते हैं? हम एक माँ है महमूद। वो क्या खाते होंगे, कैसे जी रहे होंगे, जब हम ये सोचते हैं तो हम सो नहीं पाते। आप उनके वालिद हैं। आप इस कदर बेहिस कैसे हो सकते हैं महमूद? मुझे बेहिस कह रही है? आपको लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है सनिहा सुल्तान, लेकिन आप नहीं जानती कि किस किस्म की आग मुझे अंदर से जला रही है। आप नहीं जानती हैं कि मेरा दिल कैसे घबरा जाता है। जब से हमारा बेटा गया है वक्त नहीं गुजरता। दिन महीनों की तरह और हफ्ते साल के बराबर हो गए हैं। वक्त
थम सा गया है जैसे मेरे लिए। कभी लगता है ये हमेशा के लिए है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे सबहतीन का ख्याल नहीं है, मैं उसे याद नहीं करता, उसके लिए परेशान नहीं होता। याद करता हूं उसे। मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा हर दिन मौत से बदतर होता है सनिहा सुल्तान। मैं हर सुबह जब जागता हूं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि काश ये एक डरावना ख्वाब हो, और फिर मैं अपनी आंखें खोलता हूं, सबहतीन मेरा बेटा है। मुझे हर जानिब तारीकी महसूस होती है सनिहा सुल्तान। जब से सबहतीन मुझे छोड़कर गया है, मेरी रातें सूरज तुलू होने से भी खत्म नहीं होती। दिन तारीक हो गए हैं, लेकिन ये एहसासात अंदर छुपा कर रखता हूं। मैं आपको भी कमजोर न पड़ने का मशवरा दूंगा। मैं आपको सबहतीन को रकम भेजने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आपने मुझे नजरअंदाज करते हुए सबहतीन को रकम भेजने की कोशिश की तो मैं आपको आपके हुकूक मुआफ नहीं करूंगा। बतौर खाविंद अपने हुकूक मुआफ नहीं करूंगा सनिहा सुल्तान। जीत गया मैं। धोखेबाज, धोखा देते हो। किसने धोखा दिया? तुमने दिया, तुम बेईमान धोखेबाज हो। खामोश हो जाओ, मेरी रकम दो। देख नहीं रहे हम बात कर रहे हैं, क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। इसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। आसपास असलहे के साथ पहरा दो। जिस पर भी शक हो गोली मार दो। तुम कहां थी? एक छोटी सी कामयाबी हासिल करने में मसरूफ थी मैं। मैंने बिदार सुल्तान का एतमाद हासिल कर लिया है, हत्ता के अब्दुल हमीद का भी। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में है और तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून हमारा है। जोरिस, उसानियन कहाँ है? वो अपने काम पर है। हमें एक जुआ खाना खोलना है, वो उसके इंतजाम कर रहा है, और फिर मैं उस्मानियों के सबसे बड़े सूदखोर की जगह लेकर लोगों को कर्ज फराहम करूंगा और उनसे सूद का मुनाफा कमाऊंगा। मगर इससे हमें क्या फायदा होगा? मैं पाए तख्त की ऐसी हालत कर दूंगा जैसी जंग के मैदान की जंग के बाद हुआ करती है। मैं इसे एक ऐसा मैदान जंग बना दूंगा जो बदखलाकी से लबरेज होगा, ऐसा मैदान जहां हर तरफ खून ही खून हो। इन जमीनों को बंजर बना दूंगा, यहां कुछ नहीं उगेगा। बस इसीलिए सब कुछ कर रहा हूं। उम्मीद लगाना अच्छी बात है। शिवनास खातून हरम को जहन्नुम बना देंगी, जनाब जोरिस पाए तख्त को कब्रिस्तान बना देंगे। ताहम अब्दुल कादिर वाली चाल ने काम नहीं किया। अब्दुल कादिर के पेरिस ना जाने से नौजवान तुर्क तहरीक खत्म तो नहीं होगी जिसकी हम बरसों से हिमायत कर रहे हैं? यकीनन खत्म नहीं होगी। शहजादा सबहतीन पूरे जज्बे से काम करता है। सबहतीन दरअसल कमान में लगे एक तीर की मानिंद है, वो तीर जो निशाने पे लगे। मसला यह है कि तीर का हदफ क्या होगा? क्या हम
उसे वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक उसे पहुंचाना है। जब हम इजलास के लिए नौजवानों को इकट्ठा करेंगे तो पर्दे के पीछे जनाब रोथचाइल्ड होंगे। ये वो बात है जिसका फैसला करने की हमें जरूरत है। पेरिस के एक पुराने होटल के कमरे में ठहर कर कीमत अदा करने वाले सबाह तीन की आग को भड़काएंगे क्या हम? नौजवान तुर्क मुस्तकबिल के मेमार हैं। हम एक आजाद उस्मानी रियासत का मुस्तकबिल हैं। मैं यहां आपके सामने अपनी वालिदा, अपने बाबा, अपने दोस्तों और अपने शहर को छोड़कर आया हूं। मफरूर की हैसियत से कीमत चुका कर आया हूं। लेकिन बहुत जल्द हम पाया तख्त में फाते की हैसियत से दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे हम। वो दिन बहुत करीब है जब हमें जालिम हुकुमरान के जुल्म तले कुचले हुए हजारों बेगुनाहों को आजाद करवाएंगे। हथकड़ियां तोड़ देंगे, जिंदान गिरा देंगे और उस जालिम की फौज के हथियार जब्त कर लेंगे। हमारा इनकलाब अखबारों और जराइद तक महदूद नहीं रहेगा हरगिज। हम आगे बढ़ेंगे। हकीकी इनकलाब का जो नारा लगाया है उसके लिए खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मशवरे जरीदे में लिखने वाले मशहूर सहाफी अहमद रजा साहब, ऑगस्ट कॉम्टे के अजीम तालिबे इल्म अहमद रजा साहब यहां मौजूद हैं। इन जैसे बहुत से अजीम मुफक्किरीन नौजवान तुर्कों की हिमायत करते हैं। मजीद ये कि अब्दुल हमीद के करीब तरीन पाशा हजरात में से एक पाशा नौजवान तुर्कों पर यकीन रखते हैं और इस तरह हमारी तहरीक बड़ी होती जा रही है। जब हम इजलास मुनक्किद करेंगे तो फिर हम मिसले दरिया अपना रास्ता उबूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम समंदर में नहीं गिरेंगे। ये दरिया ठाटे मारता हुआ आगे बढ़ेगा और अब्दुल हमीद के महल को बहा ले जाएगा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। मुझे पूरा यकीन है जुल्म के खिलाफ हमारी बगावत और इनकलाब जिंदाबाद। अपनी हकीकत को पहचान कर अपने वतन की आजादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले जिंदाबाद। उस गले सड़े निजाम का इनकार करने वाले लोग, खूनी सुल्तान अब्दुल हमीद का इनकार करने वाले जिंदाबाद। आप अब्दुल हमीद के मुखालिफीन को जमा करने की बात कर रहे हैं और जेब में फुटी कौड़ी तक नहीं। इनकलाब जज्बे से आता है, लेकिन अपने तौर पर इंतजाम किए हैं मैंने। अहमद रजा साहब, जिनके बाद ना तो आप मशवरत शाया करने के लिए चंदा मांगेंगे और ना मैं पेरिस के पुराने कमरों में कयाम करूंगा। मुझे डर है। क्या? हमें इनकलाब लाने के लिए मजबूर करने वाले हमारे मुल्क के साथ साथ हमें भी गड़े में धकेल देंगे। बुज़दिलों का कोई मुस्तकबिल नहीं अहमद रजा साहब। जनाब करासु, जैसा कि हमने पहले कहा कि नौजवान तुर्कों की तहरीक खाली दरिया की तरह नहीं हो सकती। अगर ये बहेगी तो इसे हमारे खींचे हुए नक्शे पर बहना होगा। फिर इसके लिए जो भी जरूरी हुआ हम करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि कश्ती को धक्का लगा के बाहर लाना है। इजलास के लिए खतीर रकम की जरूरत है। यूरोप में तमाम उस्मानी मुखालिफिन के सफरी अखराज, कयाम, खाने पीने के अखराज, उन सब की खुसूसी मेजबानी की जरूरत है ताकि वो सबाह तीन पे भरोसा करें। इसके लिए एक बड़ी रकम की हमें जरूरत होगी। हत्ता के नौजवान तुर्कों की तंजीम को शामिल करने के लिए कुछ मुखालिफीन को भी खरीदना पड़ेगा। जितनी जरूरत होगी उससे ज्यादा रकम दूंगा।
ये मामला तय कर लिए जाएंगे। ताहम ये जरूरी है कि सबाहद्दीन जल्द अज जल्द इजलास मुनक्कद करके कदम उठाए। जब सबाहद्दीन इजलास मुनक्कद करेंगे तब हम भी अब्दुल हमीद पर हमलों का आगाज कर देंगे। आज तक जब भी हमला किया है उस पर खुद ही जख्मी हुआ हूं मैं। उसकी तरफ फेंका गया पत्थर मुझे लगता है और उसे मारे जाने वाली गोली मुझे आ लगती है। इसीलिए हमें अब्दुल हमीद को अल्फाज के जरिए मारना चाहिए। अल्फाज? यही वजह है कि रुबीना हमारे साथ है और ये ठीक कह रही है। हम अब्दुल हमीद को इंतहाई नरमी से मारेंगे। अखबारात की काली स्याही से अब्दुल हमीद के मुतालिक खाके और जाली खबरें शाया करेंगे। एक ऐसी जंग जिसमें अल्फाज फौजियों का किरदार अदा करेंगे। लेकिन पहले हमें नौजवान तुर्कों के मसले को हल करना होगा। खाना खा लेते हैं पहले, चलिए। आ जाए। ये गुलदान क्यों लाए हैं आप? सुल्तान मौसम का हुक्म है शहजादी। हमने सुना है कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहती। बाबा, हम बहुत उदास हैं। आपकी औलाद इस वक्त जन्नत में होगी। हम जानते हैं इतना आसान नहीं है ये, लेकिन क्या आप नहीं जानती कि सिर्फ अल्लाह की जात ही बाकी रह जाएगी? हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर आग लगी हुई है जो जला रही है। हमने अपने बच्चे को खो दिया उसकी खुशबू को महसूस करने से पहले। आपने उन्हें नहीं खोया बल्कि उन्हें अपने रब के सुपुर्द कर दिया। अब दायमी दुनिया में मिलेंगी उनसे। हमें ऐसा महसूस होता है कि कभी मुस्कुरा नहीं सकेंगे, अब कभी खुश भी नहीं रह सकेंगे हम। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक दिन वो फूल खिलेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं। जो मुसीबतें लगता है कि नहीं जाएंगी वो भी एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। जिंदगी एक ऐसा राज है जिसमें पहले शुक्र, फिर सब्र और फिर यकीन होता है। इसे खिड़की के पास रख दीजिए सूरज की रोशनी में। अक्सर मिट्टी को पानी दीजिएगा, फिर सब्र से इंतजार कीजिएगा। खजां चली जाएगी और फिर बाहर आएगी, तब इसमें से गुले लाला खिल उठेगा, फिर आप भी मुस्कुराएंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम नहीं जानते कि अंदर कितने लोग हैं, इसलिए एहतियात से। आप तैयार हैं ना नादिर साहब? सिर्फ हाथों का काम नहीं। चले जनाब, इन सब लोगों के सर उड़ा देते हैं। पहले हमारे बंदे तो आने दो। उस्मान,
पता तो चले अंदर कितने लोग हैं। वो आ गए हैं। क्या खबर है जनाब? बहुत भीड़ है। वो तकरीबन 7 से 8 लोग हैं जो मेजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तुम अंदर गए तो उन्होंने तलाशी ली? बिल्कुल ली, असलहा ले जाने नहीं दे रहे। शुक्रिया मेरे बच्चों, जा सकते हो तुम। मैं समझ गया, हम सब खड़े हुए आदमियों को मार देंगे। चलो बाहर निकलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शता हूं। जाकर अपने चाचा से कहो ये मेरी जगह है, मेरी इजाजत के बगैर जिस जगह पर मेरा कब्जा हो वहां कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। मैं खून बहाऊंगा अगर मेरी जगह पर कोई एक भी गोली चलाएगा तो मैं उसे गोलियों से भूल दूंगा। अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ इंसान, ये गोलाबारी बंद करो, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। अगर अब ये दोबारा यहाँ दिखाई दे तो जिंदा मत छोड़ना। अब हम क्या करें? वापस चलो। कोई भी तुमसे तुम्हारे घर नहीं ले सकता, ये घर तुम्हारे हैं, इनकी हिफाजत करो। हम भी दिफा करेंगे, इसे किसी को नहीं लेने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मारने की धमकियां देते हैं, वो कहते हैं घर दो ये जान। मैं वादा करता हूं तुम्हारी जान और जायदाद की हिफाजत करूंगा मैं। और अब अगर कोई अपना घर बेचना चाहता है तो वो पहले मुझे खबर करेगा, मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ मत करना। आसिफ एमरे और जाजार यहां रुकेंगे, ये आपकी हिफाजत करेंगे और आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। तो क्या अब तुम चौकीदार बन गए हो खलील खालिद? मैं हमेशा से पाया तख्त का चौकीदार हूं। यहाँ कुछ भेड़िए लोगों को परेशान कर रहे हैं तो हम उन्हें भगाने आए हैं यहाँ से। हम तिजारत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी तलब से ज्यादा अदायगी करके उनके घर खरीदना चाहते हैं। अगर चाहो तो तुम खरीद लो, फिर हम नहीं खरीदेंगे। देखो गारो, मैं तुम्हें उन नोटों की गड्डियों में डालकर चला सकता हूँ जिसके लिए तुमने जिंदगी बर्बाद की। तुम्हें यहाँ जमीन का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये जगह हमारे लिए कीमती है, अगर हम ये जगह ना खरीद सके तो यहाँ हर तरफ गोलियां चलेंगी, शायद बम धमाके भी हों। अगर ये जगह तुम्हें इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें मार कर यहाँ तुम्हारा मजार कायम कर सकता हूँ। गारो, अगर तुम में थोड़ी सी भी इज्जत और वकार बाकी है तो ये करके दिखाओ, पहले मुझे मार के दिखाओ। खलील खालिद मारूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इसके लिए वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारा वक्त पूरा हुआ है। हम वापस जा रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, चले जाओ। जैसा मैंने कहा, जजार और आसिफ एमरे यही होंगे, कुछ भी चाहिए हो तो इनसे कहना, बाहर मत जाना यहां से। चाचा, हम आपको अपनी हर परेशानी बताते हैं। मेरी वालिदा बीमार हैं,
तबीब को नहीं बुला सकता। मैं काम पे जाता हूं तो परेशान रहता हूं। तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। ठीक है, हम देख लेंगे इसे। सुल्ताने मौसम, हमने सुना है कि तुर्क नौजवान एक इजलास मुनक्कद करने वाले हैं। हमने उन्हें रोकने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर सोची हैं। नहीं मोहम्मद सलीम साहब, हम इस इजलास को हरगिज नहीं रोकेंगे। सुल्ताने मौसम, क्या मैंने ठीक सुना है? ये तहरीक इस इजलास के जरिए तमाम उस्मानी मुखालिफीन को जमा कर रही है। हम उन्हें ऐसा करने देंगे? यकीनन ये सुल्ताने मौसम का दानिशमंदाना इकदाम है। बिल्कुल, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या है हमारा दानिशमंदाना इकदाम? जैसा कि हम जानते हैं कि नौजवान तुर्कों में मुहिब्बे वतन और अच्छे लोग भी शामिल हैं। वो नहीं जानते कि नौजवान तुर्कों को बरतानवी और फ्रांसीसियों की तरफ से हिमायत हासिल है। दुरुस्त, हर मुखालिफ तंजीम में कुछ नावाकिफ लोग भी होते हैं जो सच्चाई से आगाह नहीं होते, इसी वजह से धोखा खा जाते हैं। हम सब का फर्ज है कि रोज़े रोशन की तरह सच को आश्कार करें। हर गलत सोच की इसलाह की जा सकती है। अगर सबूत मुस्तहकम ना हो तो इसके नतीजे में लोग धोखे का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर वाज़े सबूत के बाद भी वो उन्हीं का साथ दें तो ऐसे लोग गद्दार होते हैं। नौजवान तुर्कों को हमने मुनज़्ज़म किया है, हम उन पर हर पहलू से गलबा हासिल करेंगे। लेकिन उनमें इस वक्त अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। हम नौजवान तुर्कों के साथ तमाम मुखालिफ ताकतों को अब्दुल हमीद के खिलाफ जमा करेंगे। अब तक हमने बैरूनी लोगों के साथ मिलकर इस मुखालफत को आगे बढ़ाया है। अब वक्त आ गया है कि ये काम उस्मानियों की औलाद पर ही छोड़ दिया जाए। तमाम मुखालिफ मुत्तहिद हो जाएंगे। जोरिस, हिंजक तंजीम के जिम्मेदार क्रिस्टोपूर मिकालियान को पेरिस भेज दें। कौन मिकालियान? एक बार तुम्हारे आदमी सैमुअल ने इस नाम से अब्दुल हमीद का सामना किया था, लेकिन क्रिस्टोपूर मिकालियान गारो का असल नाम है और वो एवनेस नजरबैकियान के साथ हिंजक तंजीम का भी बानी है। रुबीना, इन राब्तों के बारे में मुझे इल्म क्यों नहीं था? इस बारे में हम भाई से बात करेंगे। जो भी हो, तुर्क नौजवान देख लेंगे कि आर्मीनी मुखालिफीन उनके साथ हैं। गारो पेरिस जाएगा जनाब करासू के साथ। हमें नौजवान तुर्कों के खिलाफ सख्त एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। हम इसकी हसासियत को समझते हैं, लेकिन अभी वक्त है। मोहम्मद सलीम साहब, हम वजाहत करते हैं, तुर्क नौजवान मगरिब का मंसूबा है जिसके लिए वो 40 साल से सरमायाकारी कर रहे हैं। नौजवान तुर्क तहरीक को हमेशा से मगरिब की हिमायत हासिल थी। तुर्क नौजवानों में नामिक कमाल और जिया पाशा जैसे बड़े और कौमी नाम शामिल थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि रियासत बेहतर हो। ताहम जब वक्त आया तो वो जान गए कि ये मगरिब का मंसूबा और साजिश है। हमने आज तक नौजवान तुर्कों के खिलाफ आम जंग का ऐलान नहीं किया। वजह यह है कि उनमें से कुछ बेवकूफ और कुछ धोखेबाज हैं। हमारा मकसद यह है कि जब आज तक तारीकी में रहकर धोखा खाने वाले तुर्क नौजवान उस इजलास में शरीक होंगे तो आर्मीनी दहशतगर्दों, बरतानवी रियासत और सरमायादारों की घिनौनी साजिश उनके सामने आ जाएगी। अगर ये लोग बेनकाब नहीं होते तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे ताकि कौम के लोग बेदार हों। अगर वो रियासत के दुश्मनों की असलियत जानने के बाद भी उनका साथ दें तो फिर वो गद्दार हैं, और रियासत के गद्दारों का हमेशा इबरतनाक अंजाम हुआ करता है। यानी सुल्तान मौसम, उस इजलास से मासूमों और गद्दारों के दरमियान फर्क वाज़े हो जाएगा। और पाशा, जो लोग रियासत के साथ वफादार हैं वो भी साफ जाहिर हो जाएंगे और जिंदगी के बाद भी सुर्खरू होंगे। लेकिन हम उन लोगों के लिए रहम नहीं दिखाएंगे जो सब कुछ जाहिर होने के बाद भी
रियासत के साथ दुश्मनी करते रहे। तुम नौजवान तुर्कों को रकम देने के इंतजाम करोगे। उस्मानी बैंकों में मौजूद आपके खाते से कोई और रास्ता नहीं है। मैं उसी खाते का इस्तेमाल कर सकता हूं जो यहां मौजूद है। तुम पाया तख्त में अपना फर्ज जारी रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से शुरू करते हो, बस तुम बड़े से बड़ा जाल बिछाओ। तुम शिकारी हो और अब्दुल हमीद शिकार। करासू, तुम और गारो आर्मेनियों की हिमायत के साथ पेरिस चले जाओ। सबाहद्दीन को ये यकीन होना चाहिए कि वो अकेले नहीं है और यकीनन आर्मेनी दहशतगर्द सबाहद्दीन के लिए एक नई ताकत साबित होंगे। सबाहद्दीन ने कुछ अरसे कबल ही खुद को दहशतगर्दी से दूर कर लिया था, लेकिन अब वो जानता है कि ये मामला दरअसल खून से ही हल हो सकता है। बात यह है। और सहाफती जंग तुम शुरू करोगी। मनसूबा बंदी मिलकर करेंगे हम, और सहाफती तलवार को अब्दुल हमीद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फिक्र मत कीजिए, मैंने शुरू कर दिया है काम इस पर पहले ही। हम सब के पास अब एक लाए अमल है। हम मुख्तलिफ शोबों से ताकतों को एक साथ जमा करेंगे। आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम अपने तौर से महल की बुनियादों को कमजोर करती रहो। अब्दुल हमीद का हरम संभालना तुम्हारा फर्ज है। अभी भी हम कुछ भूल रहे हैं। वो क्या है? हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी अब्दुल हमीद और मुसलमान दोनों इज्जत करते हों। हमें लाजमी उसे कायल करना होगा कि वो नौजवान तुर्कों के इजलास का हिस्सा बने। एक पाशा है, एक पाशा जिसने कमाल महारत से खुद को छुपा रखा है। नहीं जानते वो कौन है। वो नौजवान तुर्कों के साथ उर्फिया नाम और जाली पतों से राब्ता कर रहा है। सबसे अहम बात कि वो अब्दुल हमीद के इंतहाई करीब है। बहुत अच्छी, ये हुई ना बात। वाहिद चीज जिसकी हमें जरूरत थी, हर कोई यही कहेगा कि उसका पाशा भी मुखालफत पर यकीन रखता है। वो पाशा जो भी है उससे राब्ता करो कि वो जल्द अज जल्द पेरिस पहुंचे। लेकिन यकीनन ये सब इस बात पे मुनहसिर है कि फुआद साहब कितनी जल्दी नौजवान तुर्कों के लिए रकम का बंदोबस्त करते हैं। नौजवान तुर्कों को रकम की जरूरत है, और वो ये रकम रुथचाइल्ड से हासिल करेंगे। दुरुस्त, लेकिन रुथचाइल्ड यहां है। वो सिर्फ उस्मानी बैंकों में मौजूद अपनी रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बेटो, हुक्म कीजिए। रुथचाइल्ड के उस्मानी बैंकों में खातों का मुशाहिदा कीजिए। बैंक मुंतजमीन को हुक्म दें, हमें हर अमल की खबर चाहिए। जो आगा हुक्म। चाचा, आपके आने का शुक्रिया। वो अगर चाहती तो हम उन्हें अस्पताल ले जाते। अगर जरूरत हुई तो मैं उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले जाऊंगा। आ जाएं। सुल्ताने मौसम, ये क्या है पाशा? मालूम नहीं, लेकिन ये आपके लिए आया है। क्या आप जानते हैं यह संदूक कैसा है पाशा? मुझे तो यह खुफिया संदूक की तरह लगता है। क्या आप इसे खोलेंगे? यह मुझसे नहीं खुल रहा।
हम यूसुफ के बेटे अहमद और अली साहब की महल में मेजबानी करेंगे पाशा। ये उन्होंने ही भेजा है, उनका पता दर्ज है इस पर। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो जुए खाने पर छापा मारने आए थे। कोई हादसा पेश आया क्या? मैं बगैर किसी गोली के उनकी जान ले सकता था। ये वो आदमी नहीं जो मेरी जगह पर हादसों का सबब बन सके। मैंने उन पर गोलियों की बारिश कर दी और मैंने उन्हें अपनी बात से खबरदार भी कर दिया। ताहम खलील खालिद वहां नहीं था। मैं मोहल्ले में था, उसने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। यकीनन उन सबको खलील खालिद पर बहुत एतमाद है। अब वो सब बहादुर हो गए हैं। घरों को खरीदने में काफी वक्त लगेगा। हमें इंतजामात करने होंगे, वो भी एक एक करके। खलील खालिद एक जख्मी शेर है, तकलीफ में है वो, लेकिन मैं उन सबको तकलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने यूरोप से एक नई मशीन मंगवाई है, जब वो आएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जब तक जरूरत ना हो हरगिज लड़ना मत। अगर वो हमला करें तो जवाब देना। सबको यकीन होना चाहिए कि जुआखाना एक महफूज जगह है, वरना मौत से खौफजदा लोग यहां नहीं आएंगे। कैसी मशीन आ रही है? जब आएगी तो देख लेना, जुआखाने के लिए ही मंगवाई है। हम अपनी बादशाहत का ऐलान एक शानदार इफ्तिताह से करेंगे। हम उनकी हिम्मत तोड़ देंगे। हम उन्हें दिखा देंगे कि पाया तख्त में अब हर तरफ सिर्फ हमारी बात मानी जाएगी। हमने जुए के अड्डे पे छापा मारा, लेकिन उन्होंने एहतियाती तदाबीर की हुई थी। भारी असलाह इस्तेमाल करते हुए गोलियों की बारिश कर दी हम पे। फिर अचानक ये बौछार भी रुक गई। एक शख्स बाहर आया और कुछ बकवास की, फिर अंदर चला गया वापस। गारो आज मोहल्ले में आया था, उसने बात भी की, अपनी बंदूक मुझ पर तानी मगर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो खौफजदा है चाचा, उनके दिल लरज रहे हैं। वो किससे खौफजदा है? हम वहां 3 थे और वो 8 या 10 थे। जब उनकी तादाद बढ़ जाएगी तो वो पूरी कुव्वत से आएंगे। लेकिन हमला क्यों नहीं किया? यकीनन उनका मंसूबा कुछ और है, बजाहिर वो लड़ना नहीं चाहते। बाद में पछतावा ना हो इसलिए होशियार रहना होगा। आप इसे अभी तक नहीं खोल सके पाशा? मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन खोल नहीं सका। सुल्तान मौसम, हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या वाकई हमारे हमदर्द हैं और हमारे काम आ सकते हैं। बुला लीजिए उन्हें। जैसा आपका हुक्म। मेहमानों को ले आओ। बहुत कोशिश के बावजूद मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूं सुल्तान मौसम। मेरे बेटे, हमने अहमद और अली साहब को बुलाया था। अहमद और अली साहब पाशा? माशाल्लाह। आ जाइए बच्चों, आ जाइए, आइए आइए आ जाइए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, माशाल्लाह। आ जाइए बेटे, और आप यकीनन अली होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाशा जी। सुल्तान मौसम, ये संदूक आपने बनाया है? मैंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया है। बहुत खूब है ये। इस संदूक को आपने बहुत महारत से बनाया है। हमने सुना कि आप ऐसे संदूक बनाते हैं, इसलिए हमने भी बनाया। बहुत खूब बहुत खूब। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
ये खत आपने लिखा है क्या? हमने बोला और बाबा ने लिखा। पाशा पढ़िए इसे। जी सुल्तानी मौसम, मेरा नाम अहमद है और भाई का नाम अली है। हम अपने मोहल्ले के दोस्तों से बात कर रहे थे कि हमारे बादशाह के जासूस बहुत अजीम हैं, जलालुद्दीन पाशा और मेहत साहब। जब हम खेलते हैं तो मैं जलालुद्दीन पाशा बनता हूँ और भाई मेहत साहब। हमने सुना है कि जासूस अपनी रियासत के लिए काम करते हैं, इसलिए हम भी अपनी रियासत के लिए काम करना चाहते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हम आपको एक फरीजा सौंपते हैं। जो आपका हुक्म। सबसे पहले आप अपनी नमाजों में ताखीर नहीं करेंगे, ये फरीजा है। समझ गया मैं। दूसरा फरीजा ये है कि आप अपनी अम्मी और बाबा की हर बात सुनेंगे, इस तरह आप तमीज और तहजीब सीखेंगे। समझ गए? समझ गया। और आपका तीसरा फरीजा यह है कि आपको अपनी दर्जगाह का सबसे काबिल तरीन तालिब इल्म बनना है। आप बड़े होंगे और तालीम मुकम्मल करके अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। कबूल है? कबूल है। कबूल है अली? कबूल है। माशाल्लाह, शाबाश बेटा। सुनिए सिपाही, हमारे तहिफ अली और अहमद साहब को दीजिए और इन्हें घर छोड़ के आइए। जो आपका हुकुम। खैरियत के साथ जाइए। आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। देखिए पाशा, हमारे मुल्क को ऐसे बच्चों की जरूरत है। इन बच्चों का जज्बा हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। इन दोनों बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। हमारी जासूस तंजीम के लिए आप इन पर खास तवज्जो देंगे पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। मुझे बताओ रकम कहाँ है, वरना तुम्हारा बाजू काट दिया जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, मत करो मत करो। मेरे पास एक महफूज जगह है, सारी दौलत उसमें है। जरदोस्त ने तमाम सरमाया बाजार से उठा लिया है, ना सामान वसूल कर सकते हैं ना बचा सकते हैं। तिजारत खत्म हो चुकी है। खुदा के लिए हमारी मदद करें। आप नौजवान तुर्कों की मदद के लिए रकम नहीं भेज रही हैं। उसे वहाँ रकम की सख्त जरूरत है, इसलिए भेज रही हैं। लेकिन अब रुस्चाइल्ड जानता है कि हम उसके बैंक खातों पर नजर रखे हुए हैं। अगर उसे सूदखोर की रकम मिल गई तो वो उसे नौजवान तुर्कों को भेज देगा और इस तरह हम उसकी खोज नहीं लगा सकेंगे। सिनेहा सुल्तान के खाते के जरिए रकम भेजेंगे। मैंने उसे एक तरह से रकम भेजने की तरगीब दी है। हम अपनी रकम उसकी रकम में शामिल कर देंगे।